उधर बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस मामले की खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और उसने एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर भेजा गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 15 आरोपियों में से 5 घटना में शामिल थे, जिनमें 3 की पहचान कर ली गई। प्रशासन ने करीब 350 पुलिस वाले इस मामले में लगाए हैं और जांच में लगे हुए हैं। और इनका एक डेटाबेस हमारे पास था, जिसमें से लगभग 200 फोटोग्राफ्स हमने विक्टिम्स को दिखाए थे, जिसमें से 2 फोटोग्राफ्स विक्टिम्स ने आइडेंटिफाई किए। घटनाएं जिस तरीके से की गई है, जिसे उससे हमें लगा था कि मौके पर कोई लोकल इनपुट भी इनके साथ है, जिसके बाद हमने लोकल अपनी पड़ताल करवाई और सर्च करवाया तो एक आदमी कोतवाली देहात का, जिसका नाम रईस है, वो मिला। और उसने इंट्रोगेशन के दौरान अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है। उसकी निशानदेही पर बैर स्टेशन के पास से 2 और पकड़े गए हैं। इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स की भी तस्दीक हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना किया गया है। एक परिवार के साथ जो जाती हुई है और खासकर माँ बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ है, ये बड़ी दुखद घटना है। इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, लेकिन इस घटना से क्योंकि बुलंदशहर बिल्कुल कोई ज़्यादा दूर नहीं था, शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर ये घटना घटी है, तो इस घटना से ये साफ जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। और कल की घटना को लेकर खास तौर से, वैसे तो जब से उत्तर प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहाँ हर प्रकार का क्राइम बढ़ा है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने जो तुरंत निर्णय किया वह सराहनीय है, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा, गृह विभाग के सचिव को भी भेजा, और जो कदम उठाए वो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। लेकिन ऐसी बातें, ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस और सरकार का एक जो कर्तव्य होता है वह निभाने का काम भी हमें करना पड़ेगा।